देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे आज काम करेंगे और इसके आज फिर ऑब्जेक्टिव शीट्स करेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर सबसे पहली चीज़, अगर कोई बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट करती हुई जा रही है, बस ट्रांसलेट, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन में है, बाकी पार्टिकल्स भी ट्रांसलेशन में, कोई बॉडी रोटेट, कोई भी पार्टिकल रोटेट नहीं कर रहा, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? ट्रांसलेशन एनर्जी, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। बस फर्क है, हम वी स्क्वायर बोलते हैं, ऑटोमेटिकली वी का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर एक एनर्जी होती है, मान लो खड़ी खड़ी बॉडी घूम रही है, चल नहीं रही, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, लिख लो वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो, लिख लो साइड पे, वी सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो। तो अगर खड़ी खड़ी घूमती है तो एक शॉर्टकट तरीका है समझाने का, इनफॉर्मल तरीका है, कि आप मास की जगह आई कर दो, वी की जगह ओमेगा कर दो, तो कौन सी एनर्जी बन गई? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जब बॉडी खड़ी खड़ी घूमती है, प्योर रोटेशन की एनर्जी क्या होती है? हाफ आए ओमेगा स्क्वायर। हालांकि ये करेक्ट तरीका नहीं है बोलने का, सही तरीका भी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा कि कैसे आई एनर्जी, पर हाँ अभी के लिए काम चलाने के लिए सफिशियंट है कि ट्रांसलेशन की एनर्जी इसके इक्वल है, प्योर रोटेशन की एनर्जी इसके इक्वल है। तो जब कोई बॉडी रोल करेगी, रोलिंग इज सम ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, तो रोलिंग की एनर्जी क्या आएगी? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो ट्रांसलेशन और रोटेशन, तो ये आपके पास प्योर रोलिंग की एनर्जी आएगी, ठीक? तो जब कोई बॉडी रोल करेगी, आपको दोनों एनर्जीज का सम लेना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। तो रोलिंग की प्रॉब्लम समझ में आ रही है, दो हिस्सों में बांट के ट्रांसलेशन एंड रोटेशन को कंबाइन करके रोलिंग बन जाएगा। अब इसके अंदर ये एनर्जी का फॉर्मूला आया कैसे? इसके लिए सपोज एक बॉडी खड़ी खड़ी घूम रही है, प्योर रोटेशन है, और इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, m1 m2 m3 अप टू mn, ये एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, तो ये रेडियस r1 है, रेडियस r2 है। तो जब ये खड़ी खड़ी घूम रही है विद ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू सभी पार्टिकल्स के लिए एग्जैक्टली सेम होगी, ओमेगा तो सेम ही होता है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसके पास ये अपने सर्कल में घूमेगा, ये अपने सर्कल में घूम रहा है, तो जो जितना पास होगा सेंटर ऑफ मास के उतना ही छोटा सर्कल, जो दूर होगा उतना ही बड़ा सर्कल, तो इसकी वेलोसिटी v1 है टेंजेंशियल, इसकी वेलोसिटी v2 है टेंजेंशियल, और सर्कल में घूमती हुई टेंजेंशियल वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू क्या होगी? v1 is equal to r1 into omega, इसकी क्या होगी? v2 is equal to r2 into omega, ऐसे ही होगा। तो इस केस में इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, सेकेंड के बाद हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, हाफ एम एन वी एन स्क्वायर। लेकिन हमने तो ओमेगा की फॉर्म में निकालना है, तो पुट करो v1 की जगह R1 ओमेगा, V2 की जगह R2 ओमेगा, ऐसे करते करते RN ओमेगा, इसे स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग करेंगे तो हाफ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, RN स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कॉमन आ गया इसमें, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, MN RN स्क्वायर, सबको पता है इसका मतलब क्या होता है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए, तो आंसर आ गया हाफ आए ओमेगा स्क्वायर। तो ये सही तरीका है निकालने का, पर हाँ इनफॉर्मल तरीका भी सही है, फॉर्मूला याद करना इजी हो जाता है। तो हमने अभी तक क्या किया? हमने ये डिस्कस किया कि जब भी प्योर रोलिंग का केस आएगा, प्योर रोलिंग के अंदर जो टोटल एनर्जी होगी वो सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन होगी, ट्रांसलेशन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, एंड प्योर रोटेशन की एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? यहां तक कोई डाउट इसमें? टोटल एनर्जी इसके इक्वल है, इसको मॉडिफाई करने जा रहे हैं कैसे? जब कोई बॉडी प्योर रोलिंग में होगी, अब रोलिंग की जगह ना मैंने वर्ड प्योर रोलिंग लगाना शुरू कर दिया, एक चीज नोट करो, आप पूछोगे प्योर कहां से आ गया, रोलिंग रोलिंग होती है यार, प्योर इम्प्योर क्या होती है? इम्प्योर भी होती है, देखो कैसे इम्प्योर में रिजल्ट नहीं लगता, ये प्योर रोलिंग जब नहीं होती, इसको क्या एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, आपका टायर मान लो मिट्टी में फंस गया और आप रेस दबा रहे हो बड़ी जबरदस्त तरीके से, टायर बहुत तेज घूम रहा है, घूम तेज रहा है, रोटेशन ज्यादा कर रहा है, हो सकता है फंसी क्या हो, रोटेशन ही रोटेशन करे जा रहा है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, लेकिन अगर वो हल्का सा आगे निकलने की कोशिश करे तो सेंटर ऑफ मास स्लो मूव करेगा, लेकिन ओमेगा बहुत ज्यादा होगा, तो वी कैन नॉट अप्लाई वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, गलत। इस केस में R omega will be greater than V center of mass. तो R omega की value center of mass से क्या होगी? बड़ी होगी उस केस में. Point समझ में आ रहा है यहाँ तक?
लेकिन अगर नॉर्मल टायर चल रहा है एक सड़क के ऊपर, वी कैन अप्लाई वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। बहुत एग्जांपल्स है। मेरा कहने का मतलब कि इस केस में वी इज इक्वल टू आर ओमेगा का मतलब नॉर्मल रोलिंग है, जहां पर जितना ज्यादा ओमेगा होगा उतना ज्यादा वी सेंटर ऑफ मास भी होगा। खैर इस बात की बात तो इसलिए वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो प्योर वर्ड क्यों यूज करता है। अभी 99% से ज्यादा क्वेश्चन प्योर रोलिंग पे ही आते हैं, इसलिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल क्वेश्चन आता है जब कोई बॉडी प्योर रोलिंग में होगा तो वी कैन अप्लाई वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हम एक्सेप्शन केस में डिस्कस करने वाले अभी कि ब्रेक लग गई या मिट्टी में फंस गया नहीं करेंगे। नॉर्मल टायर चल रहा है, रोल कर रहा है, दैट्स इट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो एक चीज बताओ, क्योंकि हम ये टोटल एनर्जी प्योर रोलिंग की कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन है, और मुझे पता है प्योर रोलिंग में वी कैन अप्लाई वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा इज इक्वल टू वी सेंटर ऑफ मास बाय आर। तो एक काम करते हैं, इस ओमेगा की जगह पुट कर देते हैं वी सेंटर ऑफ मास बाय आर। तो जब मैंने पुट किया और आई की जगह किसी भी, देखो बॉडी तो कोई भी हो सकती है, तो किसी भी बॉडी के लिए इन जनरल वी कैन अप्लाई एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर। तो यहां से हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर हाफ इंटू एम इंटू के स्क्वायर इंटू वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहां से हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर कॉमन, ये वन आ गया और ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ गया। तो आज के बाद जब कोई बॉडी रोल करेगी, मैं टोटल एनर्जी ऐसे निकाल लूं या ऐसे निकाल लूं, बात एक है। कोई अगर ऐसे करना चाहता है ऐसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ज्यादातर क्वेश्चन में यही अप्लाई करूंगा। इजी है, प्योर रोलिंग के केस में जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है स्फेयर, तो स्फेयर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है? 2/5। तो टोटल एनर्जी आ गई रोलिंग में स्फेयर की। अगर क्या गिवन है? डिस्क, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जगह 1/2 डिस्क की आ गई। तो इजी हो गया क्वेश्चन। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे चीजों को आसान कर रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है यहां तक? तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन है, डिस्क रिंग स्फीयर इज रिलीज या आर रिलीज होगा फ्रॉम टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन। तो टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन से इन तीनों बॉडीज को हमने रिलीज कर दिया, और इंक्लाइन प्लेन की हाइट कितनी है? h। फाइंड वेलोसिटीज ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन दे रीच एट द बॉटम। तो हर कोई बॉडी नीचे आएगी, रोल करती 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 नीचे आएगी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या वैल्यू अचीव करेगी, ये आपको बताना है। इस टाइप की प्रॉब्लम हम पहले भी करते थे। इंक्लाइन प्लेन है, एक ब्लॉक को रिलीज कर दिया, u इज इक्वल टू 0, ब्लॉक की वेलोसिटी बताओ यहां कितनी होगी। तो हम क्या करते थे, यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक और यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक की वैल्यू एग्जैक्टली सेम। तो यहां पर पोटेंशियल बोलो कितनी है? एम जी एच। काइनेटिक कितनी है? 0। यहां पोटेंशियल कितनी है? हाफ एम वी, सॉरी पोटेंशियल कितनी है? 0, और काइनेटिक कितनी है? हाफ एम। तो इक्वेट करते थे, याद है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। तो यहां से वी कैन बी कैलकुलेटेड, वर्क पार के अंदर यही किया था हमने, सेम है। बस फर्क यह कि बॉडी इसमें क्या कर रही है? रोल कर रही है। तो रोल कर रही है तो पॉइंट नंबर 1 पे सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, नीचे आते ही पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम विल बी सेम। इक्वेट करें, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल बोलो कितनी है? mgh। टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक कितनी है? 0। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है? 0, और काइनेटिक रोल करती हुई बॉडी आ रही है, स्लाइड करती हुई नहीं आ रही। अगर स्लाइड करती हुई आ रही होती, सिर्फ ट्रांसलेशन होता तो बस ये हो जाता, पर रोलिंग के अंदर टोटल एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर इंटू 1+k² बाय आर स्क्वायर। तो यहां से एम कैंसल, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो ये आएगा। अब अगर ये बॉडी डिस्क होती तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या पुट करते? हाफ। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी डिस्क की आ गई। अगर ये बॉडी क्या होती? रिंग होती, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता? 1 आंसर आ गया। अगर ये स्फीयर होता तो 2/5, तो आंसर। तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी, कैसे निकलेंगी वेलोसिटीज? क्लियर है, एनर्जी कंजर्वेशन सेम ही तो चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन और पुराने कॉन्सेप्ट ही तो है। रोटेशन नया है कहाँ? रोटेशन खुद कुछ नहीं है, बस सिर्फ रिलेट करना सही आना चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। तो थोड़े फॉर्मूला चेंज है, ठीक है यहाँ तक? जैसे ये क्वेश्चन है,
मान लो एक डिस्क है, एक पुली है जिसका मास m डैश है, पुली इज अ डिस्क। तो एक पुली है जिसका मास m डैश है और सपोज इसके साथ एक मास स्मॉल m है, ब्लॉक है, मैंने पकड़ के रखा हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो, मैंने छोड़ दिया, ब्लॉक कहाँ आएगा, नीचे आता जा रहा है, पुली घूमती जा रही है, अभी और भी नीचे आना था, अभी किसी इंस्टेंट पर ये कितना नीचे आ चुका है, एच, और भी नीचे आना था, तो मैंने स्नैपशॉट खींच ली, एच नीचे आया, तो मुझे बताना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, एच डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी बताना है आपको। पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब ये एच डिस्टेंस नीचे आ गया, आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। मिलता जुलता क्वेश्चन किया करते थे, सिंपल वर्क पार में एक ब्लॉक को रिलीज किया, यूज इक्वल टू जीरो, ब्लॉक एच हाइट नीचे गिर गया, इसकी वेलोसिटी निकालो। तो यहां पर क्या करते थे, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, यहां पर क्या करते थे, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सेम। तो यहां पर पोटेंशियल कितनी, जीरो, यहां काइनेटिक कितनी, जीरो, यहां पोटेंशियल कितनी, एम जी एच, यहां काइनेटिक कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर को एम जी एच से इक्वेट करके वी की वैल्यू आ जाती थी, यही रूल था ना, तो ये भी सेम है। तो जब ब्लॉक यहां पे गया और यहां पे आ गया, तो टोटल एनर्जी वन पॉइंट पर एंड टोटल एनर्जी टू पॉइंट पर विल रिमेन सेम। अब वन पॉइंट पर आप ये बताओ कि इसमें आपको कितने मासेस दिख रहे हैं, दो, एक ब्लॉक का मास है और एक पुली का मास है, तो इन दोनों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दो मास से दोनों की आएगी, आपको दोनों की कैसे, ब्लॉक की तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं सकती, तो जीरो बोल देना, क्योंकि सिर्फ डिस्क क्या कर रहा है, खड़ी खड़ी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो ये रोलिंग नहीं कहलाएगी, ये प्योर रोटेशन होगी, ये प्योर रोटेशन है, और ब्लॉक तो रोटेट ही नहीं कर रहा, पर यानी कि लिखना तो पड़ेगा। तो इन दोनों की, क्योंकि दो मासेस हैं, इन दोनों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वन पॉइंट पर, दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वन पॉइंट पर, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी वन पॉइंट पर और टू पॉइंट पर एग्जैक्टली सेम ही होगी। तो क्योंकि ये क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाता है, तो मैं अपने कन्वीनियंस के लिए इसको ग्राउंड मान लूं, ग्राउंड मानने से फायदा हो जाता है कि यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। अब मैं आपको वैल्यूज पुट करके दिखाता हूं, तब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो वैल्यूज ध्यान से देखना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक बात तो क्लियर है, ब्लॉक एम की कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि ये तो रोटेट ही नहीं कर रहा, बात ही खत्म है, पर डिस्क तो कर रही है। इनिशियली जब आपने इसको हाथ में पकड़ के रखा हुआ था, तो बताओ डिस्क क्या घूम रही थी, हाँ या ना, नहीं घूम रही थी, रोक के रखा हुआ है, तो डिस्क की इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। अच्छा ये बताओ यहां पर इस मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ग्रेविटेशन की, एम जी एच, और आप कहोगे सर इसकी भी तो होगी एम जी एच डैश, जो भी होगी होगी, इसको मैं ले नहीं रहा क्योंकि ये अपनी जगह से ऊपर नीचे नहीं जा रही, तो इनिशियल ग्रेविटी की एनर्जी एम जी एच डैश जो रहेगी फाइनल भी वही रहेगी, अल्टीमेटली तो कैंसिल ही हो जाएगी, उसमें चेंज तो होगा नहीं, मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा, पर वैसे करना चाहिए। तो ब्लॉक जो एम है इसकी ग्रेविटी की एनर्जी क्या होगी, एम जी एच, तो मैंने यहां पर क्या पुट कर देना है, एम जी एच, और क्योंकि ये रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, जीरो, हाफ एम वी स्क्वायर वाली, और इसकी भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग, तो हाफ एम वी स्क्वायर तो बनता ही नहीं इसका। तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, जब ये ब्लॉक नीचे आ गया तो इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसकी तो पहले भी नहीं थी, इसकी अब भी नहीं होगी, डिस्क की तो होगी, तो डिस्क के पास कितनी आ जाएगी, हाफ आए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि डिस्क खड़ी खड़ी घूम रही है तो हाफ आए ओमेगा स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो गई, जीरो, ग्राउंड पे आ गया, और काइनेटिक कितनी है इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा तो काइनेटिक नहीं होगी। तो आप चेक कर सकते हो मैंने एग्जैक्टली यही वैल्यूज पुट की हैं, फर्स्ट पॉइंट पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मास जीरो, और सेकेंड पॉइंट पर डिस्क की हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, मास की जीरो, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इन्हें इक्वेट कर लिया,
एमजीएच का एमजीएच हाफ आई, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हाफ एम आर स्क्वायर, और डिस्क का मास क्या होता है एम डैश है। और आपको ये भी बता दूं, जब एक डिस्क, ये डिस्क है और ये मास है, मास ने क्या वेलोसिटी एक्वायर की v, इस वेक्टर को थोड़ा लंबा करके देखो v, ये v वेक्टर इस डिस्क के लिए क्या एक्ट कर रहा है लाइक अ टेंजेंट, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी मानी जाएगी। लिखा भी मैंने देखो, अगर डिस्क की ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो सर्कुलर मोशन से हम ये बोल सकते हैं v टेंजेंशियल वेलोसिटी इज r ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r, तो मैं डिस्क के लिए ओमेगा की जगह क्या पुट कर सकता हूं v बाय r हाफ एम वी स्क्वायर, इसे ओपन करो वी स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो हाफ वी स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कैलकुलेशन तो जो है पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है इसे, ठीक है यहां तक वैसे ही है एनर्जी कंजर्वेशन जैसे पहले करके आए हो, फर्क यह है कि पहले स्प्रिंग था, अब स्प्रिंग हट गया तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ गया, सेम ही तो काम है, ठीक फिर करके देखते हैं, ये अभी नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम करना ये वाला क्वेश्चन। हाँ पुली अगर नीचे आती तो फिर तो वो तो रोल ही हो जाता यार, फिर पोटेंशियल भी कंसिडर करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर भी कंसिडर करेंगे, अगर पुली नीचे आ रही है तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है तो कुछ क्वेश्चन में और चेंज भी तो होगा। शीट नंबर 82, शीट नंबर 82, देखो हमने क्या किया अभी, अभी टोटल एनर्जी इन रोलिंग निकाली, और इसमें जैसे एक इंक्लाइन प्लेन है और एच हाइट से एक स्फेयर को रोल किया फ्रॉम अ हाइट ऑफ एच, मास एम है, रेडियस आर है स्फेयर का, जब स्फेयर नीचे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास क्या होगी, ये क्वेश्चन है अभी अभी किया हमने। यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है एमजीएच, काइनेटिक कितनी है जीरो, यहां पर पोटेंशियल कितनी है जीरो और काइनेटिक कितनी है हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर इनटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू स्फीयर की क्या होती है 2/5, सॉल्व करके एम से एम कैंसिल, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी कैलकुलेटेड। फ्रिक्शन तो अंडरस्टूड ही होगी, अब होगी बताने की इसकी जरूरत ही नहीं, वो तो आप पढ़ के नहीं आए हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे आया, अब तो बाय डिफॉल्ट पता है रोल अगर वर्ड बोल दिया तो फ्रिक्शन तो है ही उसमें, सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो तो फिर अपना रोल प्ले कर ही रही है। रिलेशन ये फॉर्मूला यहाँ तक पहुंचा ही तभी है, इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज देखना,
देखो फर्स्ट वाला न्यू वन फ्रीक्वेंसी। देखो हमने ना वर्क पर एनर्जी में कुछ क्वेश्चंस किए थे कि अगर सपोज करो आपके पास कोई मास एम है बॉडी का और वेलोसिटी की वैल्यू वी वन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड से बॉडी की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, आप इसके ऊपर क्या करते हो? वर्क डन। या फिर आप ऐसा कब होगा जब आप इसको क्या प्रोवाइड करोगे? कोई एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम नाम की कोई चीज थी जो यो कहती थी, जो ये बोलती थी कि जो आपने वर्क डन करेंगे या जो आपने एनर्जी स्पेंड की, जो भी आप एनर्जी या वर्क डन स्पेंड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ऐसे ही था, सेम है इसमें। इसमें मास की जगह आए, वी की जगह ओमेगा। तो कोई बॉडी घूम रही थी विद ओमेगा वन, आपने स्पीड बढ़ा दी टू ओमेगा टू, ऐसा करने में आपने एनर्जी को स्पेंड किया। तो जो भी आपने एनर्जी स्पेंड की, और क्योंकि बॉडी खड़ी खड़ी घूम रही है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो जो भी आपने एनर्जी स्पेंड की इस चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर गिवन क्या है? इतनी एनर्जी स्पेंड की, स्पीड 60 RPM है, आरपीएम फ्रीक्वेंसी होती है, इसको 60 से डिवाइड करके आरपीएस 1 RPS। ओमेगा क्या होगा? 2.2 फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ओमेगा चाहिए होता है, तो 2.21 इतने रेडियंस पर सेकेंड ओमेगा 1 आ गया। न्यू 2 कितना गिवन है? 460 RPM। बाई 60 करोगे तो आरपीएस, 2π से मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियंस पर सेकेंड। तो आपको ओमेगा 1 पता लग गया, ओमेगा 2 पता लग गया, एनर्जी स्पेंड पता है, और अब क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है। वैल्यूज को पुट कर दो, आई कॉमन निकाल लो, आई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? इस क्वेश्चन को देखिए प्लीज। अ बॉडी ऑफ मास एम एंड रेडियस आर रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद अ वेलोसिटी ऑफ वी रोल्स अप द इंक्लाइन प्लेन अप टू अ हाइट ऑफ 3V² डिवाइडेड बाय 4G, और आपको आई निकालना है। तो इस केस में देखो, अगर कोई रोल करती हुई बॉडी ऊपर से नीचे आए तो भी एनर्जी कंजर्व है, नीचे से ऊपर जाए तो भी एनर्जी कंजर्व है। तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक यहां पर, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक यहां पर सेम है, हाइट आपको गिवन है। तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगी? जीरो। काइनेटिक क्या होगी रोलिंग में? हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 + k² / r² यहां पर काइनेटिक क्या होगी? जीरो। और यहां पर एम जी एच, एच की जगह वैल्यू पुट कर लो 3V² / 4G। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, जी से जी कैंसिल, सॉल्व करो k² / r² सॉल्व करके कितना आ रहा है? 1/2। अब 1/2 का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर, यानी कि या तो ये बॉडी डिस्क है या सॉलिड सिलेंडर है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है यहां तक? ये वो फ्रिक्शन नहीं है जो आप सोच रहे हो कि एनर्जी को कम करेगा, ये वो फ्रिक्शन है जो बॉडी को रोल करने में हेल्प कर रहा है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर आप फ्रिक्शन नहीं लेते, मैं इसका आंसर देने ही वाला था पर मैं रुक गया। मान लो जो मैं फ्रिक्शन लेता नहीं और मैंने बॉडी को जो है वो स्लाइड मीन रोल करवा के छोड़ दिया,
तो न्यूटन का लॉ कहता है अ बॉडी इन मोशन, काइनेमेटिक्स में जो लॉज ऑफ मोशन में, बॉडी इन स्लाइडिंग विल रिमेन इन स्लाइडिंग अनलेस उसके ऊपर क्या ना लगाई जाए, फोर्स। बॉडी इन रोटेशन हमेशा रोटेशन में रहेगी जब तक रिटार्डिंग टॉर्क। तो ऐसा भी हो सकता है फ्रिक्शन नहीं है, मैंने रोल करके बॉडी को छोड़ दिया, क्या प्रॉब्लम है? उस केस में फ्रिक्शन इसलिए जरूरी थी क्योंकि ऊपर से छोड़ा था तो फ्रिक्शन उसको रोल करने में हेल्प कर रही थी। इसमें तो मैंने हाथ से ही फेंक दिया इसे, अब तुम्हें तो रोल ही चाहिए ना, तो मैंने अपने हाथ से रोल करवा के छोड़ दिया, तब तो रोल करती ऊपर जाएगी ना, आप क्यों रुकेगी, अब तो रोल करती ऊपर जाएगी, क्या दिक्कत है, स्लाइडिंग भी हो रही है और रोलिंग भी हो रही है। क्यों नहीं करेगी, क्यों कम करेगी, ज्यादा करेगी? ये भी करेंगे थोड़ी देर में, ये नहीं, ये करेंगे पहले होलोस्फेयर, ये वाला, इस क्वेश्चन को पहले देखो। ओके देखो ये क्वेश्चन अभी आपसे नहीं होगा। पहले रूल नंबर वन, मैंने आपको फॉर्मूला सॉलिड स्फीयर का करवाया लेकिन इसने क्या यूज किया, हॉलो स्फीयर। याद कर लो, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr². चलो ये तो अब मैं नई फिगर दूंगा तो मैं फॉर्मूला तो मैं ही बताऊंगा, ऐसा तो होगा नहीं। अच्छा उसमें था लिखा था, हाँ एक शीट दी थी मैंने, राइट सही कह रहे हो, कोई बात है वो भी डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट टाइम। तो हॉलो स्फीयर का याद रखो 2/3 mr². दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक हीट कईयों ने केमिस्ट्री में सुनी होगी, कईयों के अभी कोर्स में आनी होगी। हम इसको करेंगे 1-1.5 महीने के बाद जब थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक आएगा। फिलहाल के लिए जो स्पेसिफिक हीट है उसको सी या फिर एस से रिप्रेजेंट किया जाता है,
स्पेसिफिक हीट सी या स्पेसिफिक हीट एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या चीज है? स्पेसिफिक हीट है कि अगर आपके पास एक यूनिट सब्सटेंस है, 1 kg, 1 gram कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हो, मान लो 10 degree Celsius है, आप 11 करना चाहते हो, या अगर 13 है तो 14 करना चाहते हो, 100 है तो 101 करना चाहते हो, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर 1 degree करना चाहते हो या 1 Kelvin करना चाहते हो, कुछ भी, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। उस हीट को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। ठीक है यहां तक? तो स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास बाय 1 degree Celsius, स्पेसिफिक हीट है। क्यों डिस्कस करते हैं? मान लो 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम है, 1 kg ऑफ कॉपर है, 1 kg ऑफ कोई भी अदर सब्सटेंस है, तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हो। आप ये देखेंगे कि 1 kg सब्सटेंस के लिए ही एल्यूमिनियम हो सकता है कम हीट एब्जॉर्ब करे, कॉपर ज्यादा करे, और हो सकता है आयरन और भी ज्यादा करे। इसका मतलब मटीरियल टू मटीरियल हीट एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो कौन कितने हीट लेके 1 degree Celsius अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो वो अमाउंट ऑफ हीट सबके लिए डिफरेंट हो सकती है, तो सबकी स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होती है। तो किसी ने कहा सर मेरे पास सब्सटेंस 1 kg नहीं है, mkg है, तो मैंने कहा देखो 1 kg सब्सटेंस को अगर गर्म करना है और कितना डिग्री इंक्रीज करना है 1 degree Celsius, तो हीट कितनी देनी पड़ेगी? एस। अगर mkg सब्सटेंस है, 1 degree इंक्रीज है, तो तेरे को कितनी हीट देनी पड़ेगी? m into s, m टाइम्स कर दियो। उसने कहा कि टेम्परेचर हमेशा 1 degree कर सकते हैं, नहीं जरूरी नहीं है, अगर 1 degree Celsius mkg सब्सटेंस को हीट देनी पड़ेगी कितनी? m into s, सेम कर रहा हूं, 1 degree Celsius राइज करवाना है और सब्सटेंस mkg है, तो हीट देनी पड़ेगी m into s, और अगर डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर करवाना है तो m into s into delta T करना पड़ेगा। और हीट की हीट का सिंबल क्या होता है? क्यू। तो फॉर्मूला बन गया Q = ms Δt या डेल्टा थीटा, एक ही बात है, वे डेल्टा टी या डेल्टा थीटा इज राइज इन टेम्परेचर। ये शायद आपने फॉर्मूला कभी सुना होगा, mc Δt mc Δt, नहीं सुना तो सुन लिया, अभी 1.5 महीना यही सुनोगे, थर्मोडायनेमिक्स में हम यही करेंगे, फिजिक्स बंद हो जाएगी, लॉज ऑफ मोशन बंद हो जाएंगे, रोटेशन सब बंद होने वाला है, अब ऐसी चलेगी फिजिक्स हमारी 1.5 महीना खत्म। केमिस्ट्री जैसा लगेगा आपको कि स्पेसिफिक हीट आ रहे हैं, एल्यूमिनियम कॉपर इवेपोरेशन हो रही है और ये सारी चीज़ों में आइसोथर्मल एडियाबैटिक ये सब स्टार्ट हो जाएगा, तो फील ही कुछ और हो जाएगा कि कैसी फिजिक्स और कैसी स्टार्ट हो गई। वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मैं स्पेसिफिक हीट बोल रहा हूँ, एक है मोलर हीट कैपेसिटी, एक है हीट कैपेसिटी, एक है स्पेसिफिक हीट, पूरा चैप्टर है, कई कई टर्म्स हैं, सिंपल स्पेसिफिक हीट है। ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? आगे चलो, इसकी तो भी जरूरत नहीं है, वैसे बता रहा था मैं। देखो क्वेश्चन ये है कि आपका ना एक हॉलो स्फीयर है, वो घूम रहा था, घूमते घूमते सडनली रुक गया, कोई बताएगा टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो गया फिर? क्योंकि उसके पास क्या थी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मान लो जितनी भी थी 10 joule की, वो एकदम कहां जाएगी? वो हीट की फॉर्म में बाहर आ जाएगी, तो कहीं तो वो खत्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर, तो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो वो यही कह रहा है कि एक स्फीयर घूम रहा था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपने एक्सिस पर, सडनली रुका, तो सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में, जिससे कि राइज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा हो गया, तो सारी की सारी हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करने के लिए दोनों को इक्वेट कर दिया, डेल्टा थीटा इज राइज इन टेम्परेचर। अब एक प्रॉब्लम है कि ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसके यूनिट्स जूल है, ये एनर्जी हीट एनर्जी है, इसके यूनिट्स कैलोरी होते हैं, हीट कैलोरीज में मेजर की जाती है। हाँ मैं बता रहा हूँ, आगे मैं बता रहा हूँ, तो इसमें एक जूल है और एक कैलोरीज है, तो हम ऐसा कर सकते हैं जैसे 15 joules है, इसको आप कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसको 4.2 से क्या करें? डिवाइड, तो ये ऑटोमेटिकली कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है यहाँ तक? तो हम ये करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, 4.2 नंबर से डिवाइड करते हैं तो कन्वर्ट। ये पहली बार किसने बताया था कन्वर्जन? एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जूल्स, जूल ने बताया था कन्वर्जन, तो तभी तो नाम है जूल्स। तो उसने क्या कहा, अगर ये नंबर नहीं याद आता आपको, मेरे नाम का जे लगा देना, काम चल जाएगा। तो 15 को जे से डिवाइड करो, कैलोरीज, जिसको बोलते हैं जूल्स इक्विवेलेंट। जूल्स इक्विवेलेंट का मतलब इसकी कोई वैल्यू
ये वो वैल्यू है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो अपने आप जूल कैलोरी में, कैलोरी जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 4.2 लिखना, चाहो 4.2 भी लिख सकते हो, कई ऑब्जेक्टिव में जे लिखते हैं तो मतलब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर जे दिखेगा आपको, मतलब 4.2 ही है। तो ये वैल्यू और इक्वेट कर दिया आप, यूनिट सही हो गए, क्योंकि एक तरफ कैलोरी है दूसरी तरफ भी कैलोरी है। तो आई का मतलब यहाँ पर 2/3 एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसल, तो यहाँ से डेल्टा थीटा कैन बी कैलकुलेटेड आंसर है। ठीक, अब आप एक काम करो, आप ऑब्जेक्टिव शीट पे आओ, ऑब्जेक्टिव शीट